अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिस के हवाले से। तो इफ वी लुक, तो हमें जो प्राइमरीली कह रहा है कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर जो सूद है दैट इज कॉल्ड तजारती सूद और द कमर्शियल इंटरेस्ट, और दूसरा जो होता है वो साफी सूद, सरफी सूद, या जिसको हम उशरी भी कहते हैं, जो कि होता है पर्सनल एक्सपेंडिचर्स के लिए। तो यही आपने बताना है कि जो तिजारती सूद होता है वो होता है फॉर प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल पर्पस, और जो दूसरा होता है वो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए होता है, राइट? अच्छा, अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो वो अवेलेबल है, यू मे कॉन्टेक्ट अस और वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन यार वो लोग मुझे स्टूडेंट प्लीज रब्ता ना कीजिएगा, ऐसे लोग रब्ता करें जो बिजी प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं कि क्या व्हाट डू यू थिंक बोथ इंटरेस्ट आर हराम। बिल्कुल जी, क्लियर ओपिनियन है कि हराम है, और इसकी रीजन ये है कि जो मर्जी हो तिजारती सूद है तो वो उससे सोसाइटी के अंदर करप्शन बढ़ती है, उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर मिस अप्रोप्रिएशन होती है, सोसाइटी के अंदर नेगेटिव ग्रोथ होती है, सोसाइटी के अंदर अनजस्टिस होती है, और सोसाइटी में डिमिनिशिंग होती है ह्यूमन पर्सनालिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट रिच रिचर और पुअर पुअर हो जाता है, दोनों के दरमियान गैप बढ़ जाता है। तो ये तो ओपिनियन हो गई। अब किसी, आप कोई भी मुस्लिम ले सकते हैं स्कॉलर, जैसे शेखुल इस्लाम, हाफिज, मौलाना, कोई भी आप यहाँ पे फारूक आजम, अनवारुल फारूकी जो इंडियन है, कोई भी यार आप लेके बता सकते हैं कि। तो एनीवेज ये है असाइनमेंट, आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहें।